हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू फ्रेश व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू कर दिया गाइस। आज हम सैटरडे में ही मॉर्निंग में उठते ही सब लोग रेडी हो चुके हैं और देखिए राधिका भी रेडी हो रही है साड़ी पहन के। साड़ी वाली मैडम ने बना दिया मेरे लिए ब्रेकफास्ट। तो गाइस निकल रही हैं और घर से निकलते ही सीधे जाएंगे आज। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं विजयनगर। यहाँ पे थोड़ा सा सामान दे रहा है मोनू और यहाँ पे देखिए मैडम जो है अपने बातें चातें करने में बिजी हैं। बहुत लंबे सफर पे जा रहे हैं गाइस, 4 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। हाँ तो गाइस गढ़ मुक्तेश्वर हम पहुंच गए हैं और अभी बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्रूट लिया है। बच्चे तो जिद कर रहे थे कि चिप्स वगैरह खाई जाए लेकिन चिप्स नहीं लिए, तो इनके लिए गुआवा ग्रेप्स वगैरह लिए हैं। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं मुरादाबाद में। काफी हवा निकल चुकी है गाड़ी की। लगा देगा, भर देगा, हवा आती नहीं है। आप भरोगे? अच्छा, अंदर से आएगा कोई। तो गाइस यहाँ बच्चे निकल रहे हैं अभी, ये पहले छोटी मौसी के यहाँ पे जाएंगे ऐसा प्लान लग रहा है मुझे। सुनो, अगर जाना है आपको तो नाचो मत यहाँ आके। मतलब ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं कोई लॉटरी लग गई हो इनकी। तो गाइस फाइनली हवा भरा दी है। जीता रहे मेरे लाल, जीते रहे। ये अक्की है, आपने पिछली बार देखा होगा इसको ब्लॉग में, है ना? हाँ। और यहाँ पर जीजी भी खड़ी है शायद। मम्मी कहाँ है? ये मम्मी है ऐसे मोटी सी जो लग रही है, बहुत हेल्दी हो गई भाई। और राधा कृष्ण का मंदिर है यहाँ पे। नमस्कार जीजी, कैसे गले लग रही हैं देखो गाइस, जैसे कब की भी कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई आज मिली जाके। बहुत दिनों बाद मिले। हाँ निकल पड़ा वाला दूंगा बता देगी। अच्छा मैं निकल रही हूँ, मेरे बढ़ा रही है तो गाइस यहाँ पे ना गाना शुरू करने वाली है। भजन मंडली हमारी तैयार है एकदम। भगवान कृपा बनी रहे। ओम आदित्य वसुदेव विश्वदेव मरुद्गण। बोले गणेश जी महाराज। ओम मंगल तन मंगल मांगल शिव सर्वास आदि गए चरण श्री ओम तन गौरी नारायण नमस्ते। बस इनके पीछे पीछे आप आओ और ये पकड़ लीजिए गाड़ी। आ जाओ हमारे यहाँ पे तो मतलब एक जगह ही रसोई में करा देते हैं और यहाँ पे सारे रूम घुमाया जाता है, तो ये मैंने पहली बार देखा है यहाँ तक। गाइस छोरे का केक लेने आए हैं और ये देखिए कितना बढ़िया मास केक। स्टूडियो से हम केक लेने आए हैं और ये मुरादाबाद सिटी में है। मैं तो यहाँ गड्ढे में गिर जाता है लिटरली, इन्होंने तो गड्ढा कवर करके पानी पड़ा था क्या? इस केक जो चाहिए था 2 किलो का वो नहीं मिला है फिलहाल, तो अभी हम केक के लिए देख रहे हैं। कोई दूसरी शॉप अगर मिल जाती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट शराब है। बढ़िया केक शॉप है और उसके सामने गड्ढा है गाइस, उसको कवर कर रखा है प्लास्टिक से, तो गिर जाए तो इनका केक बन जाना है। तो गाइस लाइन पार की मार्केट में भी घूम आए हैं, वहाँ पे भी नहीं मिला है। और अभी ये पार्श्वनाथ प्लाजा है यहाँ पे मुरादाबाद में, देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पटेशन करके वहाँ शायद हमें मिल जाएगा और वहाँ केक मिलेगा, तो केक लेके जा रहे हैं।
तो गाइज अभी आ गए हैं टेम्पटेशन पे, अब देखते हैं यहाँ शायद मिल जाए। यहाँ तो है यार बड़ा बड़ा। तो फाइनली केक तो मिल गया है और केक में हमने दो केक ले लिए हैं, बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी केक। तो स्ट्रॉबेरी केक भी और ये मतलब जुगाड़ हो गया है, 2 किलो का तो नहीं मिला है पर कर लिया उतना हिसाब किताब। तो गाइज केक लेके हम आ गए हैं फाइनली घर पे, और आज यहाँ घर पे नए घर में गृह प्रवेश किया है। और यहाँ सामने ना पार्क है घर के, खूब अच्छा सुंदर सा नज़ारा। और इधर से देखिए बहुत ही प्यारी लुक आ रही है उधर अगर देखोगे। ये मैडम भी हमारी मुस्कुराती हुई, और इनको तो साड़ी मतलब अपनी साड़ी में ही दिखाना होता है, अदा आ जाती है मैडम को साड़ी पहन के। देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है, सबको खाना खिलाने वाली है ये, और इन्होंने इतनी मेहनत की है लिटरली, सबका खाना सबका पेट भरा है इन्होंने। उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये सारे लोग सबकी पेट पूजा कराई है। यहीं पे रहती हैं, ये भी मुरादाबाद वासी हैं, यहीं की हैं, यहीं रहती हैं। और हम माता जी से भी दर्शन करा देते हैं, माता जी भी यहीं रहती हैं मुरादाबाद में। हमारा फंक्शन ओवर हो गया, अब इनका मेकअप शुरू हुआ है। एडवांस स्मार्ट मिरर है, तो यहाँ से आप देखो टच करो तो ऑफ हो जाएंगे। क्या बात है, हम तो चौंक ही गए भैया। देखिए गाइस माता जी यहाँ रह रही हैं आजकल, और बिल्कुल खुश लग रही हैं एकदम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं तो हम गाजियाबाद ले चलेंगे आपको। सब पूछते रहते हैं हमसे कि आपकी माता जी कहाँ गई। बेटा और सासू मिलकर राधिका को सता रहे हैं, तो ये सोच रहे कि मेरी सास है लोग। मैंने फिर ये कहा कि मेरी मम्मी है, कह रहे ओ मैं भी सोच रही थी सेवा कैसे देख लो देख लो गाइस, समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो। तो गाइस 4 बजने जा रहे हैं और अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। बच्चे का केक नहीं कट पा रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो इस वजह से केक नहीं कट पाया अभी तक। और ये देखो, ये मुझे बहुत अच्छा सिस्टम लगा यहाँ पे कि अपने डॉग्स के लिए अलग से एक गड्ढा बना दिया है, इसमें बच्चा सोता रहे। ओ माय गॉड, देखो प्यार का कितना भूखा बच्चा गाइस। और मेरे बच्चे हो गए इसको देख के थोड़े से सेंटी, और वो बेचारी ऐसे ही हिल रही है। सुनो काट भी सकती है। अरे काहे को काट रही है, वो काटने वाली है ही नहीं। बगीरा कहाँ गया है बेटा, बगीरा कहाँ गया, बगीरा के बारे में बता। क्या हुआ, गाड़ी से उतरना है कि नहीं उतरना है? अभी फीलिंग ले रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे ना फीलिंग ली जा रही है, और लग नहीं रहा फीलिंग वाला माहौल बिल्कुल भी। फीलिंग तो मुझे नहीं लग रहा तुम फीलिंग ले रही हो, बच्चे का बर्थडे का केक कट रहा है तो जल्दी करो। हम यहाँ वाले कमरे में काट रहे हैं। चलो संजू आओ, ये कह रही है फोटो खींच लो मेरा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवः स्वः। तो गाइज यह नए स्टाइल में हैप्पी बर्थडे करने की विशेष है, आशीर्वाद देने का एक नया तरीका निकाला है जीजी ने, बहुत खूब बहुत अच्छा। समाभाषम रविपुत्रम यजाग तो गाइज यहाँ पे ना अनबॉक्सिंग होने जा रही है, सबने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। चलिए तो यहाँ ऑलमोस्ट सारे गिफ्ट खुल चुके हैं, और ये लड़के को बहुत टाइम से अनबॉक्सिंग करने का मौका नहीं मिला था तो आज अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ये साइड से इधर से, हाँ टेप को हटा दो। मेरे तो वो है ना उल्टी उल्टी बताओ, वो ये तो लॉर्ड बुद्ध की है ना, है ना? कैसे लग रही है? सही लग रही है, अच्छी लग रही है। देखो जी कैसी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ट्रॉफी मिली, तो गाइज राधिका ना सबको चाय सर्व कर रही हैं, और ये देखिए भैया। फाइनली गाइज हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हो गया ओवर, अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधे जाएंगे इंदिरापुरम, और जाने में जो भी वक्त लगेगा वो टाइम लगेगा। मेरे पीछे कुछ ना खुरापाती तत्व आके अपनी अपनी प्राकृतिक नेचुरल अपनी वो प्रतिभाएं दिखा रहे हैं मुझे, और इनसे कोई कहे पानी भर के लेके आओ। देखो बड़े भाई को कह रही है पानी भर के लेके आओ, तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हें, तुमने आपने आपने बोलो आपने। ये देखो भाई गाइस आजकल के संस्कार कैसे छलक छलक के दिख रहे हैं, सबसे छोटी है ये और सब पे हुक्म चलाती रहती है।
तो गाइस 11 बजने वाले हैं, अभी करूंगा एडिटिंग और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूंगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।